हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आप लोगों में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने वेट लॉस जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। आपने वेट लॉस के टाइम क्या खाया था, कैसे आपका वेट लॉस हुआ, ये सारा कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने फाइनली सोच लिया कि आज मैं आपके साथ एक वेट लॉस रोटी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि मेरा वेट बहुत ज्यादा हुआ करता था पहले, और मैंने बीच में बहुत ज्यादा वेट लॉस किया था। और दोबारा से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब कहीं बाहर जाना नहीं था, एक्सरसाइज बंद थी मेरी, तब मैंने बहुत सारे अलग अलग डिशेस ट्राई किए, तो उसकी वजह से वो खाए और मेरा वेट गेन हुआ। और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, घर पे ही बच्चे रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, उनकी वजह से मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता था। सारा दिन किचन में जाता था और घर के कामों में जाता था, तो इसीलिए मतलब इतना ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसीलिए और मैंने वेट गेन कर लिया था। और दोबारा से आप लोग देख रहे हो कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ। जब लॉकडाउन में मेरा जो वेट बढ़ गया था, मैं अभी कम कर रही हूँ उसे, तो इसीलिए मैं जो खा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों में से काफी लोग पूछते हो कि आपने क्या खाया था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो बना ही देती हूँ आपके लिए। और हाँ, मैं जो रोटी शेयर करने वाली हूँ उससे आपका वेट लॉस जल्दी होगा। आप ये समझ लो कि आपका वेट लॉस 15 to 20 days में 5 kg तक हो सकता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये वेट लॉस रोटी है और इसी ने मेरी वेट लॉस के टाइम पे हेल्प की है, और अभी भी मैं वही रोटी खा रही हूँ। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ वही रोटी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं वो रोटी बनाती हूँ। और चलिए फिर इसकी रेसिपी देख लीजिए। इस सुपर वेट लॉस रोटी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एज इट इज़ का पी प्रोटीन 1 scoop। और ये मैं अपने फैमिली के लिए भी बना रही हूँ, मैं खुद के लिए नहीं बना रही हूँ, ये सारे फैमिली के लिए बना रही हूँ रोटी, तो इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा लिया है। अगर आप अपने लिए ही बना रहे हो तो आप थोड़ा सा कम लीजिए, और इसे अच्छे से गूंथ लेना है थोड़ा सा नमक ऐड करके। नमक ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा नमक ऐड करना है और अच्छे से गूंथ लेना है। और ये जो मैंने इसमें ऐड किया है एज इट इज़ का पी प्रोटीन आइसोलेट, ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है और अनफ्लेवर्ड है, इसमें कोई भी फ्लेवर्ड नहीं है। इसी वजह से इसे ऐड करने से आपके रोटी का कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा। ये जो एज इट इज़ का पी प्रोटीन आइसोलेट है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ ये आपको बहुत देर तक फुल रखता है, इसी वजह से आपको भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने की वजह से आप कम खाते हो और उसके वजह से आपका वेट लॉस जल्दी होता है। चलिए थोड़ा सा इस एज इट इज़ के पी प्रोटीन आइसोलेट के बारे में आपको बता देती हूँ। पी प्रोटीन ये एक कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन होता है, जिसमें 9 essential अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये आपके मसल बिल्डिंग में भी आपके हेल्प करता है और आपके वेट लॉस में भी आपके हेल्प करता है। इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है और ये इजी टू डाइजेस्ट है। इसे आप प्री एंड पोस्ट वर्कआउट वैसे भी पानी के साथ ले सकते हैं, बट इसका कोई भी टेस्ट आपको नहीं लगेगा, इसीलिए अगर आप इसे वैसे नहीं लेना चाहते हो या नहीं ले सकते हो तो आप किसी भी चीज़ में इसे डाल के इसे ले सकते हो। मतलब जैसे कि आप, मैंने अभी रोटी बनाई तो वैसे आप रोटी बना सकते हो, किसी भी चीज़ में आप इसे ऐड कर सकते हो और वैसे ले सकते हो इसे। इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, तो इसका यही फ़ायदा है कि आप इसे किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हो। जो मेरे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे वीगन प्रोटीन के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो आप इसे ले सकते हो, और यहाँ पर मेरी वेट लॉस रोटी बनके रेडी है। ये सिर्फ रोटी खाकर ही आपका वेट लॉस नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको ऑयली एंड जंक फूड को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, उससे आपका जल्दी ही वेट लॉस होगा। ये रोटी आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज, आपने देख लिया कि रोटी को कैसे बनाना है, बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। और हाँ, जितना आप प्रोटीन अपने डाइट में इंटेक करते हो तो उतना ही आपका वेट लॉस जल्दी होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो एज इट इज का प्रोटीन है बहुत अच्छा है, और वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अगर आप वैसे भी लेना चाहते हो तो वैसे भी ले सकते हो, इसे पानी के एक ग्लास में घोल लिया 1 scoop और ले लिया, बस इस तरह से भी आप ले सकते हो इसे। बहुत से लोग दूध नहीं पीते हैं या दूध से बनी हुई कोई चीज भी नहीं खाते हैं, तो उनके डाइट में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि उनके सामने ज्यादा सोर्स नहीं होते हैं प्रोटीन के, तो इसीलिए वो लोग ये प्रोटीन ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको प्रोटीन लेना है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, और आप इसे कुछ भी सब्जी या कुछ चीज बना रहे हो, जैसे कि उपमा या कुछ आप डोसा बना रहे हो या अप्पम बना रहे हो या उत्तपम बना रहे हो या रोटी बना रहे हो, तो इस चीज में मिलाकर भी इसे खा सकते हो, आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाएगी।
तो अगर आपको इस एज इट इज के पी प्रोटीन को परचेस करना है तो आपके लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हो। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।